My name is Dr. Shabir Ahmed, and I started this center. This is called as the Q Medical Center or QMC in 2016. We started as an outpatient clinic, mainly for gastroenterology, general surgery. Being myself as a general surgeon, and I have qualified from UK, and I've got my FRCS in three different colleges: Royal College of Surgeons, Edinburgh, and as well as Glasgow. And I moved from England 2006, and I'm working at Fortis Hospital, Vanagada Road, as a consultant colorectal surgeon, as well as a general surgeon and laparoscopic surgeon. And I started this unit here, is started as an outpatient center, and later we thought there is a demand for a daycare surgery center, and which we started. At that time, daycare surgery center was only about 5-bedded. Later we converted into 15-bedded hospital, and it was completely, totally inpatient patients availability, both facilities were available. So then, you know, we saw, again, we grew up to 20-bedded hospital. Then we saw there is a potential and there was a demand, and we thought we'll start with a maternity center, as we named as a Nebula Center, which caters for pediatric as well as a women's healthcare. And our passion is to do a quality care service. And there is no bargain, or there is no quality, there is no compromise in the quality at all. With the same budget, with limited budget, one patient can get a quality and quality based service, as well as effective service and good result. The economical, and so we are basically service oriented. Inshallah, it will be useful for the whole community, for everyone else. तो यहाँ पे कौन-कौन सा इलाज होता है? यहाँ पे कैंसर का इलाज होता है. और कैंसर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, आई एम बिकॉज माई खुद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन हो, कैंसर ऑफ द पैनक्रियास, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होती है, कैंसर ऑफ द स्टमक होती है, कैंसर ऑफ द कोलन होती है, कैंसर ऑफ द रेक्टम होती है, कैंसर ऑफ द टंग होती है, और कैंसर ऑफ द लंग्स होती है. ये तमाम कैंसर का इलाज होता है. और ऑल्सो हम लोग ज़्यादातर ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी रहने की वजह से एसिड पेप्टिक डिजीज, एसिड का जो हार्ट बर्न जो होती है, दिल में पेट में जो जलन होती है, उसका इलाज होता है. और ज़्यादातर आके गॉल स्टोन, जो पित्ते में जो स्टोन्स होता है, उसका इलाज भी होता है. और हमारे पास क्या है, लेज़र का ट्रीटमेंट है. हम हर चीज़ है ना सुराख में करते हैं. आदमी सुबह को एडमिट हो जाए, शाम में डिस्चार्ज हो जाते हैं. तो ये हमारे पास खूबी ये है कि हम लोग लेज़र यूज़ करते हैं, और सुबह में ऑपरेशन करके शाम में डिस्चार्ज करते हैं. और हमारे पास स्पेशलिटी जो क्लिनिक है वो है, फिशर है, पाइल्स है, फिशला है, वैरिकोस वेन का ट्रीटमेंट है. ये तमाम चीज़ें हम लोग लेज़र में सर्जरी करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. आज हमें क्यू मेडिकल सेंटर में नेबुला बोल के मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए फैसिलिटीज हमें बनाए हैं, वो आज से इनॉग्रेट हो रहा है. ये 6 साल से क्यू मेडिकल सेंटर था, उसके अभी एक्सपेंड होके बनाए हैं. ये 5000 स्क्वायर फीट एरिया में बहुत बेबी एंड मदर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी और सब्सिक्वेंटली आल्सो उनको क्या क्या चाहिए वो सब किए हैं. यहाँ आके इमरजेंसी रूम, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी बेड्स वार्ड है, उसके बाद न्यू बॉर्न बेड वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी रूम, जनरल वार्ड, स्पेशल डीलक्स रूम, सेमी डीलक्स रूम, सब करे हैं. हमें स्टाफ के फैसिलिटीज़ के लिए ड्यूटी रूम्स, उनके लिए स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट वगैरह सब उनके सुविधा के लिए किए हैं. भाई यहाँ के जो मैं डॉक्टर से अच्छे वाकिफ़ हूँ, मतलब शबीर साहब से, डॉक्टर शबीर वेरी गुड पर्सन एंड अ वेरी गुड डॉक्टर. तो यह हॉस्पिटल भी जो है अभी जो शुरू किए हैं, मतलब इंशाल्लाह जो है दिस विल डू वेरी वेल, बिकॉज जो भी आदमी जो इसको हेडिंग इट, ही इज़ अ एक्सेलेंट पर्सन, एक्सेलेंट पर्सन. और उनको मैं देखा भी हो कि अक्सर जो है गरीबों की, मोहताजों की भी मदद करते हुए. एंड सो मैं समझता हूँ कि यह हॉस्पिटल इंशाल्लाह विल डू वेरी वेल. डॉक्टर शब्बीर साहब को मैं तकरीबन 5 साल से जानता हूँ. मैं पहले यूके में था, बट फिर यूके आने से बाद डॉक्टर शब्बीर साहब के साथ मैं जुड़ा हुआ था. तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यू मेडिकल सेंटर हैज़ बीन वेरी गुड, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर शब्बीर साहब, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं. अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नजमुद्दीन साहब के साथ मिलकर ये क्यू नेबुला हॉस्पिटल शुरू किए हैं. आई विश देम ऑल द बेस्ट. काफ़ी बहुत अच्छा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह. तो आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स. अल्लाह उनको अच्छी जल्द से अच्छा
और बेहतरीन जदाद हैं इसका और विश देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. दिस प्लेस डॉक्टर सायद इज नोन, ही इज स्टेइंग इन आवर अपार्टमेंट ओनली. वेरी ब्यूटिफुली द हॉस्पिटल हैज कम अप विद गुड अमाउंट ऑफ फैसिलिटी. That's also with the high tech technology which is good for delivery of babies and all. And there are almost 15 wonderful beds with a good toilet attached facilities and all. We are really happy. Such type of facilities for patients at this moment of hour is really a good thing to do. And I'm sure that the public here around the people would be able to utilize this facility in a much better way. And Dr. Sayed is a light-hearted person. This kind of service at all time available 24/7 is really going to help all the public over here. And I wish all the doctors, patients and everybody here to utilize these facilities, and I wish all of them all the very best. Actually, this is a dream come true for us. We were planning for this for a long time. So finally we have achieved something. Inshallah, Allah humko himmat taqat de ke isko na aage badhaye aur service kare hamari community ki. That's our main idea. ऐसा नहीं कि यू नो वी जस्ट वांट टू मेक मनी इन दिस, वी वांट टू सर्व द पीपल. उसमें बेसिकली लेडीज़ नीड्स मोर केयर, सो दैट इज़ व्हाई वी हैव प्लान फॉर दिस.